तो फोर्स मेथड के बाद अब हम लोग दूसरा वाला मेथड सीखेंगे जिसको कि हम लोग कहते हैं एनर्जी मेथड। तो एनर्जी मेथड्स के लिए जो है कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, पहले वो स्टेप्स सीखेंगे और साथ में स्टेप्स के साथ में कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। एग्जाम्पल करते चलेंगे तो स्टेप्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो पहला स्टेप जो है इसमें फोर्स मेथड जैसा ही है कि पहले हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पता करना है। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय पुटिंग सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो करके इक्विलिब्रियम पोजीशन लोकेट करेंगे। तो वही वाला क्वेश्चन मैं फिर दोबारा करा रहा हूं जो हमने फोर्स मेथड से किया था। उसमें हमने क्या किया था कि एक स्प्रिंग था और एक ब्लॉक था। जैसे ये स्प्रिंग का इनिशियल पोजीशन है, ये इसका नेचुरल पोजीशन, इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है। अब इसमें एक ब्लॉक अटैच कर दिया एम मास का, और अटैच करने के बाद इसको स्लोली लाते गए, यहां से हाथ हटाया तो ये ब्लॉक यहां रुका रह गया, यानी ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, या ये कह सकते हैं कि ये इसका मीन पोजीशन हो गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने वहां क्या किया था, फोर्स मेथड्स में कहते थे कि यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स पता करना है जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर होगा। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स पता नहीं करेंगे, यहां पर एनर्जी पता करेंगे। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन पार्टिकल इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर होगा तो टोटल एनर्जी निकाल लिया, वहां पर हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स निकालते थे, तो मैं यहां पर टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कोई नॉन कन्वर्टिव फोर्स होता नहीं है, इसलिए टोटल एनर्जी यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं। और वो टोटल एनर्जी जो है सिस्टम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होता रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा उतनी ही कॉन्स्टेंट रहती है, और इसलिए पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी हमें निकालना चाहिए, वो भी तब जब जब जो है पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन से एक्स डिस्टेंस पर हो। तो पहला स्टेप था इक्विलिब्रियम पोजिशन लोकेट करना। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया एक्स नॉट डिस्टेंस पर आकर के रुका था, तो नीचे आएगा एम जी और ऊपर आएगा के एक्स नॉट। तो कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट, मीन्स एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के। तो इतना पता चल गया कि नेचुरल पोजिशन से एम जी बाई के डिस्टेंस नीचे इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। नेचुरल पोजीशन से एम जी बाई के डिस्टेंस नीचे इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहां से एसएचएम करता हुआ जब ये इक्विलिब्रियम से या मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर होगा, तब यहां पर इसकी एनर्जी निकालनी है। तो अगर एसएचएम कर रहा है और एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसके पास हो सकता है कि कोई वेलोसिटी हो वी, है ना, और ये एक्स जो है यहां से मीन पोजीशन से डिस्टेंस है। तो इसकी अगर टोटल एनर्जी लिखेंगे, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू, तो एक तो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग की एनर्जी लिखूंगा। स्प्रिंग की एनर्जी कितनी आएगी, नेचुरल पोजीशन ये था और अभी टोटल इलोंगेशन हो गया है, एक्स नॉट तो इक्विलिब्रियम में था, एक्स और इलोंगेशन हो गया है, यानी कि स्प्रिंग की एनर्जी होगी हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ठीक, एक और तरीके की एनर्जी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लाइन हम लोग यहां भी ले सकते हैं और यहां भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसको जो रेफरेंस लाइन है मान लेता हूं, मैं नेचुरल पोजीशन पर ले लेता हूं,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक रिफरेंस लाइन लेना होता है, तो रिफरेंस लाइन हमने मान लिया कि नेचुरल पोजीशन पर था। तो अब यहां पर जब ब्लॉक होगा तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एक्स प्लस एक्स नॉट, इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्योंकि रिफरेंस लाइन से ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी एच आता है, नीचे आने पर माइनस एम जी एच आता है, तो यहां पर माइनस एम जी एच के जगह पर एक्स प्लस एक्स नॉट रखेंगे, ये टोटल एनर्जी आ गया। ठीक, तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया और ये हमने दूसरा स्टेप कंप्लीट किया। तीसरा स्टेप जो है ये कहता है कि फाइंड डी ई बाई डी टी, है ना, यहां पर टोटल एनर्जी जो है इसको हम लोग ई कह सकते हैं। तो अब टोटल एनर्जी ई जो है इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहला तीसरा काम ये है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं डी ई बाई डी टी, तो यहां पर वेरिएबल क्या होगा, वेलोसिटी वेरी करता है, एक्स वेरी करता है ना, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो एम बाई टू तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आएगा टू वी डी वी बाई डी टी। यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए, है ना, कैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो ऊपर अलग वेरिएबल है नीचे अलग है तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, तो डी वी स्क्वायर बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी टी इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, मतलब कि डीवी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखेंगे तो कैंसिल होता हुआ लगेगा लेकिन कैंसिल करना नहीं है, और डीवी स्क्वायर बाई डीवी क्या आएगा, यह आ जाएगा टू वी, ये होगा टू वी और डीवी बाई डीटी ऐसे ही रह जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि इस वी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा टू वी डीवी बाई डीटी, है ना, प्लस यहां पर के बाई टू जो है वो कॉन्स्टेंट है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा इसमें भी, ये गोले का पावर एन है यानी कि इतना का पावर टू, तो टू ये आ गया गोला पावर टू माइनस वन इन टू, अब इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स नॉट तो कांस्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा और एक्स का हो जाएगा डीएक्स बाई डी टी माइनस, अब इसका करेंगे तो एम जी कॉन्स्टेंट है, एक्स नॉट का जीरो हो जाएगा और एक्स का हो जाएगा डीएक्स बाई डी टी। ठीक है, तो मैं इसको अब सिंप्लीफाई करता हूं तो देखेंगे ये टू टू कैंसिल हो गया तो ये बचेगा एम वी डी वी बाई डी टी प्लस ये टू और ये टू कैंसिल हो गया तो ये हो गया के एक्स प्लस एक्स नॉट इंटू जो डीएक्स बाई डी टी है इसको मैं वी लिख सकता हूं, यहां डीएक्स बाई डी टी जो है इसको वी लिख सकता हूं, वेलोसिटी बताएगा उस ब्लॉक का, तो ये हो गया इंटू वी माइनस एम जी इंटू वी, ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, हमने डी बाई डी टी निकाल लिया है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, पुट डीई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें पता है टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, इसलिए इसको जीरो करेंगे और जीरो करने के बाद यहां से डीवी बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे एंड फाइंड डीवी बाई डी टी, तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको कर देता हूं जीरो और यहां से डीवी बाई डी टी निकालना है, तो पहला काम तो ये करेंगे यहां भी वी है, यहां भी है और यहां भी है, इसको कॉमन लेकर बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा एम डी वी बाई डी टी प्लस के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो देखेंगे इक्विलिब्रियम हमने क्या निकाला था कि एम जी और के एक्स नॉट बराबर है, तो एम जी और के एक्स नॉट बराबर है तो ये दोनों मिलकर के जीरो हो जाना चाहिए, है ना, तो एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, चूंकि ये तो जीरो हो गया इसको उधर ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस के एक्स, यानी डी वी बाई डी टी जो होगा इसको लिखा जा सकता है माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ये डी वी बाई डी टी आया। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप पे,
फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, कंपेयर डीवी बाई डीटी, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है एसएचएम में, तो इससे कंपेयर करना है एंड फाइंड ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया के बाई एम, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम, यानी टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई की, ये टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो देखेंगे कि यहां से भी आंसर वही आया है जो हमने फोर्स मेथड से कैलकुलेट किया था, हालांकि थोड़ा सा यहां पर लेंदी हो रहा है, लेकिन ये तरीका हमें सीखना है। कई बार एनर्जी मेथड ज्यादा आसान होता है फोर्स मेथड से किसी किसी क्वेश्चन में, है ना, और किसी किसी क्वेश्चन में एनर्जी मेथड जो है वो फोर्स मेथड से मुश्किल भी होता है, जैसे इसमें थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है थोड़ा सोल्यूशन, फिर भी हमें अगर इस मेथड को सीखना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, और